ये बतकम्मा त्यौहार के ज़िमन में गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। चुनाचे ये हुकूमत आने के बाद ही फलाही स्कीमात के ज़रिए गरीबों को उनके त्यौहारों और ईदों के मौके पर मदद की जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। याकूतपुर के मजलिस असेंबली अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीजन में गरीब और मुस्तहक खवातीन में बतकम्मा साड़ियाँ तकसीम। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर वाजिद अली खान और दूसरे खादिन भी मौजूद थे। ये बतकम्मा त्यौहार के ज़िमन में गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। चुनाचे ये हुकूमत आने के बाद ही फलाही स्कीमात के ज़रिए गरीबों को उनके त्यौहारों और ईदों के मौके पर मदद की जाती है। चुनाचे आज बतकम्मा त्यौहार के ज़िमन में याकूतपुरा असेंबली हलके में संतोष नगर खलंदर नगर में अभी वहाँ पर साड़ियों की तकसीम हुई है। फिर रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में याकूतपुरा SRT कॉलोनी में यहाँ पर भी तकसीम अल में लाई। वहाँ पर मुजफ्फर साहब कारपेटर मौजूद थे, यहाँ पर वाजिद अली खान साहब कारपेटर मौजूद है, और यहाँ पर इमारो चार मीनार में भी इसमें शरीक हुए। बहरहाल हर अच्छे काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ देती है, ताउन करती है। जो फलाही स्कीमात है जिसके ज़रिए पब्लिक को फ़ायदा पहुँचता है उसमें हम बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यकीनन हर एक को ईद और त्यौहार मनाने का हक़ हासिल है, और ये पहली हुकूमत है जो ईद और त्यौहारों में वो मनाने वालों की मदद की करती है। चुनाचे रमज़ान में भी इसी तरीके से कपड़े तकसीम किए जाते, इफ्तार का इंतज़ाम होता, बतकम्मा त्यौहार में भी साड़ियों की तकसीम होती। बहरहाल अच्छे काम में हमेशा मजलिस ताउन करती आ रही है, आइंदा भी करेंगी। मैं आपके चैनल के ज़रिए याकूतपुरा असेंबली हलके के खवातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्कीम से इस्तेफादा करें, अपने अपने कारपोरेटर सर पैदा करके इससे फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया।